हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। पार्ट फर्स्ट में रिसोर्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा, रिसोर्स की डिफाइन समझी है ना, टाइप्स ऑफ रिसोर्स समझे, रिसोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो अपन ने देखा, टाइम और टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने देखा था कि रिसोर्स जो है जिन टाइप्स में डिस्क्राइब हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, उसमें अपन ने दो टाइप समझे थे, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स। कौन कौन सा? नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स। आई बात समझ में? उसके बाद मैंने पार्ट टू के लिए बोला था आपको, ये पार्ट टू है अपना, मैंने आपको पार्ट टू के लिए आपको बोला था कि अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स, आई बात समझ में, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई बात समझ में। और इसके पहले जो अगर किसी को कुछ डाउट हो, या फिर अभी आप जो डायरेक्ट सेकंड वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट पार्ट इसका देख सकते हो, तो आपकी चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और पर्टिकुलर अगर यही चीज़ समझनी है तो नो डाउट इसमें अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो देरी ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, वॉट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। बात को ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि नेचुरल रिसोर्स कोई एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है कि जब तक आपका आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, आप ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं बना सकते, आई बात समझ में। इसका मतलब आपको एक नया रिसोर्स बनाने के लिए, आपको डेवलप करने के लिए, आपको एक डेवलपमेंट विकास के दौर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको अपना खुद का क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपना खुद का क्या करना पड़ेगा, मनी लगानी पड़ेगी। तो इन चीज़ों की वजह से ह्यूमन अपना दिमाग, टाइम, टेक्नोलॉजी, अपना इसकी यूटिलाइजेशन करने के लिए दिमाग लगा रहा हूँ। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एजुकेशन, मैं अपना ज्ञान का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है। इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन इज़ कंपलसरी। कहीं ना कहीं आप 200 लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा इंसान पढ़ा लिखा है, कौन सा इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए एजुकेशन सिर्फ आपको नॉर्मली ज्ञान ही नहीं देती, और भी चीज़ें समझाती, आपको दुनिया के बारे में बताती, और सोशल ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएगा, आई बात समझ में। तो मैंने बोला ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एक पॉइंट लिख लेना, ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ स्पेशल रिसोर्स, है ना। तीनों रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स। अगर ये रिसोर्स हो ही नहीं पाता तो इन ये रिसोर्स बन नहीं पाते, या इनका यूटिलाइजेशन होता नहीं, आई बात समझ में। और दूसरी चीज़, ह्यूमन मेड रिसोर्स तो बनते ही नहीं जब अगर ह्यूमन ही ना होते तो, इसलिए ह्यूमन पे सारा डिपेंड हो गया। तो ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ स्पेशल रिसोर्स। क्या रिसोर्स है ये, कौन सा रिसोर्स है? स्पेशल रिसोर्स है, आई बात समझ में। और दूसरी चीज़, ह्यूमन रिसोर्स हमेशा डेवलप करेगा, ह्यूमन रिसोर्स हमेशा मॉडिफाई करेगा, किसके साथ? टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ, मैंने बोला था पूरे रिसोर्सेज टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करते, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स हमेशा किसके साथ डेवलप करेगा? हेल्थ और एजुकेशन। आज मेरी हेल्थ अच्छी है, आज मेरा एजुकेशन अच्छा है, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा डेवलप करने की सोचूंगा। मैं उस लेवल पर सोच सकता हूँ, मैं उस लेवल पर दिमाग लगा सकता हूँ जिस लेवल पर आप, मतलब जो दूसरे, मतलब उस लेवल तक अगर ना पढ़ा हो तो, उस लेवल तक एजुकेशन गेन नहीं करी हो तो। मेरी बात को समझा आपने? तो मैंने आपको क्या बोला, हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, डेवलप करता है, और इस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा दुनिया के बारे में पता होगा, आप उतनी तरीके से ट्रीट, उतना अच्छे से लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, आप उतने अच्छे से अपना ब्रेन यूज़ कर सकते हैं, आई बात समझ में। तो ह्यूमन रिसोर्स समझ में आया। ह्यूमन रिसोर्स के बाद अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज के बाद ये टाइप्स ऑफ रिसोर्स अपना कंप्लीट हो गया, नेचुरल रिसोर्स कंप्लीट हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स कंप्लीट हो गया, और ह्यूमन रिसोर्स कंप्लीट हो गया, आई बात समझ में। तीनों रिसोर्स कंप्लीट हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े थे अपन ने। ह्यूमन रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी लिख लो, व्हीकल्स लिख लो, मशीनरी लिख लो, इतने एग्जांपल काफ़ी है, आई बात समझ में। ह्यूमन रिसोर्स इज अ स्पेशल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या, अपन जो है बस वही रिसोर्स ही, इसका कोई एग्जांपल क्या हो सकता है, ह्यूमंस, है ना। उसके बाद ये हो गए रिसोर्सेज। अब क्या हो रहा है बच्चों, टाइम के साथ में इंसान जो है भले कितना पढ़ा लिखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंसान क्या हो जाता है, कभी कभी सेल्फिश हो जाता है। और एक पर्टिकुलर इंसान नहीं होता है, आपने देखा होगा कि एक इंसान गलत कर रहा है तो दूसरा इंसान भी गलत करता है, तीसरा इंसान भी सोचता है चलो आप वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, है ना। तो क्या होगा अगर एक जना उसको कर रहा है और 100 लोग उसको नहीं कर रहे, तो वो एक जना भी किसके जैसे हो जाएगा, 100 लोगों जैसे हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि क्या होने लगेगा, लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करते हैं, रोज लोग रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करेंगे
जैसे मानो उसके बाद वो मिले ही ना, जैसे उनके बाप का मान लो, जैसे उनके पिताजी का मान लो, आई बात समझ में? मतलब जैसे पूरा हक उन्हीं का है, ऐसा थोड़ी होता है। आई बात समझ में? भाई नेचर ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं तो आप क्या उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ दोगे क्या? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा, कहीं ना कहीं देश दुनिया को लगा टाइम के साथ में कि अपन को रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, आने वाले टाइम पे रिसोर्सेज ना बचे, जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कोल पेट्रोलियम ना बचे। तो क्या करना है, कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज बचे, इसलिए क्या करा गया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का फंड आया कि रिसोर्सेज को कंजर्व करो, रिसोर्सेज को क्या करो, कंजर्व करो। और रिसोर्सेज को अगर आप कंजर्व कर रहे हो तो ये आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में। किस में आ जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहे हो। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने बोला डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन सस्टेनेबली हो रहा है। सस्टेनेबली हो रहा है मतलब बिल्कुल एक मैनर तरीके से हो रहा है, मतलब आप रिसोर्सेज का यूज़ करिए, रिसोर्सेज का यूज़ करिए, लेकिन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल बैलेंस बना के, जिसकी वजह आप, जिससे आप क्या कर सकें फ्यूचर में इन रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज़ कर सके, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, इन दोनों, ये दोनों टर्म जो हैं एक साथ चलती हैं, पैरेलल। मैंने आपको जो बोला होगा लगभग लगभग दोनों एक जैसी होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में, सुनना, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मैंने क्या करा, रिसोर्सेज को क्या करा जाएगा, बचाया जाएगा। रिसोर्सेज को बचाया जाएगा क्यों, धीरे धीरे यूज़ करा जाएगा, बचाया जाएगा क्यों, क्योंकि वो रिसाइकल हो जाएँ वापस से रिप्लेनिश हो जाएँ, ठीक है ना, वापस से रिसाइकल हो जाए, रीयूज़ हो जाएँ, ठीक है ना। ये होता है कंजर्वेशन, जहाँ पे रिसाइकल का वर्ड आ जाए, मतलब आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक रिसोर्सेज का, सुना, रिसोर्सेज को एक बैलेंस तरीके से आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स मैंने आपको बता दिया, आई बात समझ में? नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल पढ़ लेना अच्छे से, उसका एग्जांपल देख लेना, फर्स्ट वीडियो देखना आराम से, इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आई बात समझ में? तो अपने एक पर्टिकुलर नोट्स बनाइए, ठीक है ना, उसको रिवाइज करिए कुछ दिनों में, तो आपको कहीं भी चीज़ छूटने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो अब अपन मिलेंगे सेकेंड चैप्टर में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।